हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इस कंपनी में अगर आज का परफॉर्मेंस देखें तो आप लोगों को 4.04% की रैली देखने को मिली है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कंपनी लगभग ऑल टाइम हम लोगों को यहाँ पे 2:45 बजे तक रेड निशान में ही देखने को मिले, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उसके बाद इस कंपनी में हम लोगों को एक बड़ी तगड़ी जंप यहाँ पे देखने को मिली, जो कि हम कह सकते हैं कि 4% से अधिक का यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। 4.5% के आसपास का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस क्लोज के नीचे ही यहाँ पे चल रही थी। सो इतनी बड़ी यहाँ पे रैली क्यों हम लोगों को देखने को मिली है, इस रैली के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जिसके ही दमखम पे ये रैली आज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। सो न्यूज़ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाटा इलेक्ट्रिसिटी ने यहाँ पे खुद अनाउंसमेंट की है कि इनको लीडरशिप जोन यहाँ में यहाँ पे रेटिंग दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल सेक्टर्स से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटेस्ट जिनोव जोन्स फॉर ER&D सर्विसेज 2021 में ये रेटिंग हम लोगों को इस कंपनी से को मिलते हुए देखने को मिल जा रही है, जिसके बाद से ही ये हम लोगों को इस कंपनी में एक धमाकेदार रैली यहाँ पे देखने को मिली है। एंड दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि टाटा एलेक्सी की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो उनको लीडर के रूप में ऑटोमेटिव मेडिकल डिवाइसेस एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में यहाँ पे देखा गया है, जो कि लीडर के रूप में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम लोग लीडरशिप जोन की यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें तो आप देख सकते हैं कि ADAS एंड OTT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे इनको लीडरशिप जोन में यहाँ पे स्थान दिया गया, रेटिंग मतलब यहाँ पे दी गई है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है, इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ यहाँ पे होती है, पॉजिटिव न्यूज़ होती है। ये चीज़ें ये दर्शाती है कि कंपनी हम लोगों को ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रही है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, तो अच्छा है तो मतलब ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस तरह की न्यूज़ होती है वो एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है, एंड उनको होल्ड करने का एक और रीज़न यहाँ पे दे देती है कि आप लोग इस कंपनी को चाहें तो आगे भी होल्ड करके चल सकते हैं। अगर इनके रिटर्न्स की भी बातें करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि एक मंथ में ये कंपनी हम लोगों को करीब 5% डाउन देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं सिलसिला 6 महीने का देखिए कि ये कंपनी करीब 58% के आसपास यहाँ पे हम लोगों को इसमें तेजी देखने को मिल रहा है। देन वहीं पे एक साल का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 251% का रिटर्न्स ये अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। 5 साल की बातें करें तो 5 साल में देखिए क्या धमाकेदार रिटर्न्स यहाँ पे ये दे रही है, 732% का रिटर्न्स यहाँ पे दे रही है। जबकि मैक्सिमम अगर यहाँ पे बातें करें तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,848% का रिटर्न इस कंपनी ने 22 साल में 22 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। मतलब यहाँ पे ये इनका चार्ट देखकर कि ये पता चलता है कि जितना लंबा आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करते हैं उतना अच्छा रिटर्न्स ये कंपनी आप लोगों को यहाँ पे देती है। सो बहुत ही अच्छी बात है। देन आपको हम बता दें कि यह कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को इनका देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करके चलने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी ये हम लोगों को देखने को मिल जाती है। सो इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।